हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द लाइव सेशन. इवनिंग सेशन 15 मई, जिसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करने वाले हैं. तो सब लोग आ जाओ. चलो फटाफट से, आवाज़ वगैरह क्लियर है सारी चीज़ें? चलो देख लेते हैं. ओके, आवाज़ वगैरह भी क्लियर है. चलो फास्ट. ओके, सो आंसर कर दो फटाफट से अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर आ रही है. देन हम सेशन को शुरू करते हैं. कल का सेशन नहीं हो पाया था, मैंने आपको टेक्निकल रीज़न बताया था जिसकी वजह से कल का सेशन नहीं हो पाया था. सो ओके, आज सुबह का पीडीएफ पढ़ा सबने? करंट अफेयर्स का पीडीएफ आज सुबह का मैंने आपको भेजा था. आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना? चलो, एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक आप लोगों का जीए जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सब कुछ डिटेल में मैंने एक छोटे सी वीडियो बनाई है 10 से 15 मिनट की, जिसको मैं आज 6 बजे अपलोड करने वाला हूँ. आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो वो वीडियो आज आप लोगों के लिए आ जाएगी. मैंने बना ली है और वो अपलोड हो जाएगी 6 बजे. आपको जैसे ही हम सेशन कंप्लीट करते हैं 6 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? और आपको वीडियो देखनी है और आपके जो दोस्त है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करना है, ताकि वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आए कि किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है ना? क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का और जहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो जल्दी से लाइक कर दो. सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो, और ये जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपसे अगर कोई अपडेट मिस हो जाती है तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी. तो इसको ज्वाइन करके रखो, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए. जल्दी से ज्वाइन कर लो. नाउ आगे बात करते हैं नेक्स्ट. तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो ये अभियान में कितना पैकेज अनाउंस किया गया है, चलो बताओ. 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है. इसके ऊपर से मुझे एक रिसेंटली सवाल आया था, सर ज़रा बताइए 20 लाख करोड़ में कितने जीरोस होते हैं. क्या आपको भी जानना है 20 लाख करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? जानना है क्या? चलो तो बाद में कभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द टेंजावुर नेटिव वर्क्स अरंबोर वुड कार्विंग्स फॉर्म तमिलनाडु एंड तेलंगाना तेलाई रुमाल क्लोथ आर एडेड टू जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अलोंग विथ सोराई खोवर पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट. यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बताई है. तंजावुर का नेटिव वर्क, अरंबोर वुड कार्विंग फॉर्म तमिलनाडु, तेलंगाना का तेलाई रुमाल, उनको तो जीआई टैग मिला ही, लेकिन सोराई खोवर पेंटिंग ये जो है किस इंडियन स्टेट को बिलोंग करती है, इस बताओ. चलो इसका यहाँ पे जो टैग दिया गया है, चलो बता सकता है कोई? फास्ट. ओके परफेक्ट, झारखंड से बिलोंग करता है, इसको भी यहाँ पे जीआई का टैग दिया गया था, है ना? चलो आगे बात करते हैं. अलोंग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द ICMR has initiated a population based सीरो सर्वे इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट टू मॉनिटर COVID-19 prevalence. यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ICMR ने ये इनिशिएटिव लिया है सीरो सर्वे सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में COVID-19 का प्रेवलेंस मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है? बताओ चलो क्या आएगा. सेंटर फॉर डिजीज, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर साइंस, सेंटर फॉर क्रोनिक. तो क्या आएगा? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. ओके परफेक्ट. विच डिविजन ऑफ साउदर्न रेलवेज पार्टनर्ड विथ केरला सर्कल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ पार्सल टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग लॉकडाउन. साउदर्न रेलवे का कौन सा डिविजन केरला सर्कल पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की है डोर टू डोर डिलीवरी के लिए? चलो तो तिरुवंतपुरम इज द राइट आंसर, ठीक है? ओके, अभी जो लेट ज्वाइन किए उनको एक और बार बता दूँ, जीए जीके जीएस ये सारी चीज़ों के डिफरेंस वाले वीडियो जो है वो आज अपलोड होने वाली है, ठीक है? चैनल पे 6 बजे अपलोड होगी. सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, आपको 6 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है?
नेम द प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वेदर फॉरकास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पे कौन सी प्लेस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कि इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऐड की गई वेदर फॉरकास्टिंग में. तो गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कौन सा आएगा? बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड थ्री. तो बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्च्ड द म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट रिटर्न एंड कंपोज्ड बाय जो अल्वार्स. यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने म्यूजिकल क्रिएशन लॉन्च किया यूनाइटेड वी फाइट? चलो बताओ किसने यहाँ पे लॉन्च किया है. इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर कल्चरल रिलेशंस इसने यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है. नेम द इंडियन स्टेट विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर फाइव एंड नियोनेटल डेथ्स इन 2017 एज पर सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर फाइव एंड नियोनेटल मोर्टैलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया. ओके, सब नेशनल. ओके, सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर फाइव नियोनेटल मोर्टैलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017. भाई यहाँ पे किसने यहाँ पे बताया हुआ है? चलो तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है, मतलब हाँ ये. वॉट इज द ग्रांट दैट वॉज प्रोवाइडेड बाई शांघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 मई 2020. यहाँ पे कितना ग्रांट प्रोवाइड किया गया है शांघाई बेस्ड ब्रिक्स बैंक की ओर से? USD 5 बिलियन, 3 बिलियन, 2 बिलियन एंड 10 बिलियन. कितना यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? 1 बिलियन, USD 1 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड किया गया है. The Centers for Disease Control and Prevention CDC of which country has promised USD 3.6 million to India to combat against COVID-19? Center for Disease Control and Prevention कौन सी कंट्री का है जिसने 3.6 million इंडिया को दिया है COVID-19 से कॉम्बैट करने के लिए है? चलो बताओ. United States, Germany. Okay, United States is the right answer. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च संबल योजना टू स्ट्रेंथन द लाइव्स ऑफ पुअर एंड दलित कम्युनिटीज. हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? चलो, आनंदीबेन, जगदीप धनखर, गंगा प्रसाद, बेबी रानी मौर्य, लालजी टंडन. कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर? चलो, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर है. वी विद्यावती हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम May 12, 2020. यानी कि वी विद्यावती को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन अभी CBSE के न्यू चीफ को भी अपॉइंट किया गया है. उनका नाम क्या है? चलो, कोई बता सकता है? मनोज आहूजा, अनुराग जैन, अनिता करवल, कतिकिताला श्रीनिवास, अरविंद सक्सेना. तो मनोज आहूजा जिनको अभी अपॉइंट किया गया है मई 12 से यहाँ पे इफेक्ट में आज आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अखिल कुमार द फॉर्मर बॉक्सर ऑफ इंडिया हैज बीन री इंडक्टेड इन टू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल. हु इज द DG ऑफ नाडा? मतलब एंटी डोपिंग एजेंसी के जो DG है, डायरेक्टर जनरल कौन है? चलो, काफी सिंपल. नवीन अग्रवाल, ठीक है ना? नवीन अग्रवाल क्या है? DG ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. ओके, नेक्स्ट. नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज वॉन द स्काईट्रेक्स अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. कौन से इंडियन एयरपोर्ट को स्काईट्रेक्स अवार्ड 2020 दिया गया है फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? चलो, किसको यहाँ पे दिया गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहाँ पे आया कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन सवाल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, पता है ना, बेंगलुरु में आया है. ठीक है.
The committee under the Central Insecticides Board and Registration Committee has recommended to ban use streptomycin and tetracycline drugs on crops. The streptomycin is the drug used to treat which disease? यहाँ पे the committee है CIBRC, उन्होंने recommend किया है streptomycin को और tetracycline को ban करने के लिए crops के ऊपर use करने के लिए. अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो कौन से डिजीज के लिए यूज किया जाता है, मतलब ट्रीट करने के लिए, तो ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ओके, परफेक्ट. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 विच वॉज टॉप्ड बाय स्वीडन. स्वीडन ने टॉप किया था, लेकिन इंडिया का रैंक कितना था? 79, 66, 59, 71, 74. कितना था इंडिया का रैंक? चलो 74 था. ओके, द सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ टीवीएस ग्रुप एंड विच आईआईटी हैज जॉइंटली डेवलप्ड लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंस डिवाइस नेम्ड सुंदरम विंटागो. यहां पे सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप और IIT, कौन सी IIT ने ज्वाइन किया हुआ है, चलो बताओ कौन सी IIT ने ज्वाइन किया हुआ है ताकि वो डेवलप कर सके लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंस डिवाइस. कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर. चलो IIT मद्रास. ठीक है, नेक्स्ट. द एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी has discovered new rare new super earth planet. यहाँ पे astronomers कौन सी university के है उन्होंने discover किया है new rare new super earth planet. super earth planet ये कौन सी university के students? Stanford, Yale, University of Canterbury and Tsinghua University and Duke University. तो क्या है University of Canterbury. next, साइंटिस्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन एंड US यूज विच टेलीस्कोप टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ एक्स शेप्ड रेडियो गैलेक्सीज. यहाँ पे साउथ अफ्रीकन के और US के साइंटिस्ट ने कौन सा टेलीस्कोप यूज किया मिस्ट्री ऑफ एक्स शेप्ड रेडियो गैलेक्सीज. चलो बताओ, अरेकिबो, हबल, एफएसबर्ग, GBT, मिरका. चलो क्या है आंसर, क्या आएगा? मिरकाट. चलो नेक्स्ट, मनमीत सिंह वालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. मनमीत सिंह वालिया जिनका रिसेंटली मृत्यु हुआ वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, चलो बताओ कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं. फास्ट, टेबल टेनिस. ओके, बेसी रेजिना नॉरिस, बेटी ब्राइट. Who is in news recently is a renowned Bessie Regina Norris. जो recently news में है वो कौन है, चलो. Actor, banker, activist, singer, dancer. चलो क्या है वो, singer है. Perfect. Name the ministry which has launched Champions Portal, a technology-driven control room cum management information system. कौन से ministry ने Champions Portal launch किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. चलो किसने यहाँ पे लॉन्च किया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट. यहाँ पे कौन से इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है होप पोर्टल अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प करने के लिए, कौन से इंडियन स्टेट ने ये स्टेप लिया हुआ है, चलो बताओ. उत्तराखंड ने लिया हुआ है. ठीक है ना, ओके, सो समझ में आ गया आप सभी को? नहीं, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, उत्तराखंड ने किया है ये स्टेप. ठीक है, चलो सबको समझ में आया. ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. 22 क्वेश्चंस हमने लिए थे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी एंड ऑफ द PDF दिए हुए हैं, आप उसको रिफर कर सकते हो.
बाकी यहाँ पे चैनल पसंद आया, सेशन पसंद आया, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि डेली 5 बजे के करंट अफेयर्स आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो ज्वाइन कर लेना। बाकी आपका जो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, इसका जो डिफरेंस वाला वीडियो, उसमें आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आ जाएगी। 6 बजे वीडियो अपलोड होगी, जाके ज़रूर से देखना और मुझे कमेंट करके बताना, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप उसी वीडियो के नीचे आप मुझे बताओगे। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।